स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल लाइक यूट्यूब चैनल में। क्या दोस्तों आप भी अपनी यूट्यूब की वीडियो में सब टाइटल ऐड करना चाहते हैं मल्टीपल लैंग्वेज का, यानी कि अलग अलग भाषाओं का। जैसे कि आप हिंदी में वीडियो बनाते हैं या मान लीजिए हम हिंदी में बनाते हैं तो हमारे व्यूअर कोई इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा, बस जो एक सेटिंग्स हैं उन्हें ऑन कर देना है। हिंदी तो हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो ही जाएगा, साथ में दोस्तों गूगल के थ्रू हमारा जो ट्रांसलेट होकर इंग्लिश सबटाइटल भी हम ऐड कर सकेंगे। चाहे तो हम और कोई भाषा भी इसमें ऐड कर दें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे व्यूअर को भी फ़ायदा होगा और ये सर्चिंग में भी वीडियो अच्छी आती है, अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आप यूट्यूब SEO का पार्ट आपने सीखा है या जानते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब SEO में ये भी एक काम करता है अच्छे तरीके से। तो हम आपको ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, बस सिंपल ले चलेंगे आपको यूट्यूब स्टूडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। चाहे आप अगर कोई और ब्राउज़र ओपन चलाते हैं तो आप उसे ओपन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है studio.youtube.com, ठीक है। इसे लिखने के बाद में आपको सर्च कर लेना है तो हम सिंपल सीधे पहुँच जाएंगे अपने यूट्यूब स्टूडियो में। तो यहाँ पर हमें जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर आपको डेस्ट क्लिक करके और डेस्कटॉप साइड वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर चैनल डैशबोर्ड वगैरह जो भी हमारे व्यूज आ रहे हैं सब्सक्राइबर हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बस सिंपल यहाँ पर जो कंटेंट का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है कंटेंट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारी वीडियो आ जाएंगी जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही अपलोड कर रखी हैं, ठीक है। तो हम मान लीजिए किसी एक वीडियो पर सब टाइटल लगाना चाहते हैं, जो ऊपर हमारी वीडियो हैं इनमें ऑलरेडी सब टाइटल हमने लगाए हुए हैं। तो हम एक नीचे की वीडियो यहाँ पर लेंगे पहले की, ये वाली 15 सेकंड से ज़्यादा, ठीक है। YouTube शॉर्ट कैसे अपलोड करें 15 सेकंड से ज़्यादा, तो क्या करना है, बस सिंपल इसके टाइटल पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम दोस्तों यहाँ पर इसके टाइटल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें देखेंगे कई ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन मिल रहा है उससे मतलब नहीं। इस साइड पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे वीडियो का थंबनेल आ रहा है, चाहे तो हम इसे प्ले करके देख सकते हैं लेकिन हम इसे प्ले नहीं करने वाले। नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है पब्लिक वगैरह विजिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर सब टाइटल का हमें ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, एंड स्क्रीन कार्ड वगैरह, तो हम यहाँ सब टाइटल वाले पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सिलेक्ट द वीडियो लैंग्वेज, तो हमें क्या करना है, बस नीचे यहाँ पर आना है, इसे स्क्रॉल करेंगे। अगर आपने पहले से अपनी वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर शो मोर का जो ऑप्शन मिल रहा है सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है पैड प्रमोशन, इससे कोई मतलब नहीं हमें। और ये जो टिक वगैरह हैं यहाँ पर हमें हमारे टैग वगैरह, इसके नीचे हमें मिल जाएगा लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज जो है यहाँ पर पहले इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारी वीडियो हिंदी में तो हम इसे हिंदी सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हिंदी कहाँ पर है और उसे सिंपल से हम अपनी वीडियो के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इंग्लिश है और नीचे स्क्रॉल करते आएंगे और हमें मिल जाएगी यहाँ पर हिंदी, हम उसे सिंपल से ऐड कर देंगे। तो हिंदी वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया और जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है तो इसे भी हम हिंदी कर देते हैं, क्योंकि आधा हिंदी आधा इंग्लिश इस तरीके का हम लिख देते हैं, तो सिंपल इसे भी हम यहाँ पर हिंदी कर लेंगे, ठीक है। तो आप भी अपने हिसाब से जो भी आपकी लैंग्वेज है वीडियो की उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हिंदी है तो सिंपल आप हिंदी कर लेना, अगर और कोई भाषा में आपकी है तो उसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन मिल जाता है, बस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सेव वाले ऑप्शन पर। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो की जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर आएंगे फिर यहीं पर, और जो हमें सबटाइटल का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा था ये वाला, यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन मिल जाता है बराबर में, बस यहाँ पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीधे हिंदी में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ देखेंगे सारा का सारा हमारा लिखकर आ रहा है सबटाइटल, ऑटोमेटिक हिंदी इसने जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हम इस वीडियो में बोल रहे थे वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर वही चीज़ लिखी है। अगर कोई यहाँ पर आप बदलाव करना चाहते हैं तो सिंपल कोई वर्ड भी आप यहाँ से हटा सकते हैं और उसे अपने हिसाब से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही है, तो बस क्या करना है, जब आपको सही लगे बिल्कुल तो यहाँ पर डन का जो ऑप्शन मिल जाता है इससे आपको डन कर देना है इस तरीके से। चेंज सेव्ड इस तरीके का हो गया, चेंज हो गया। तो हमारा ये जो हिंदी का सबटाइटल था वो तो ऐड हो गया, लेकिन अब हमें और भाषा का यहाँ पर ऐड करना है। तो इधर यहाँ आपको पेंसिल का जो ऑप्शन मिल रहा है इधर आप स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से, तो ये जो सबटाइटल का ऑप्शन है बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसे इधर कर देते हैं, यहाँ सबटाइटल वाले ऑप्शन पर आपको फिर क्लिक कर देना है इस वाले पर। तो यहाँ से हम और लैंग्वेज ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तो हिंदी है ही, तो यहाँ पर ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपल से हमने यहाँ पर ऐड लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर अलग अलग भाषाएँ हैं, देखेंगे अरबिक वगैरह वगैरह, बंगला है, ठीक है, और यहाँ पर
बहुत सी भाषाएं हैं, आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पर करने वाले हैं फाइनली इंग्लिश, ठीक है। तो यहां पर इंग्लिश इंडिया भी है, इंग्लिश और भी हैं यूनाइटेड किंगडम वगैरह, तो हम केवल इंग्लिश करते हैं, ठीक है। सिंपल इंग्लिश पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इंग्लिश ही करना था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, बस ऐड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो हमने ऐड वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके का आ गया है, ठीक है। देखेंगे हमारी वीडियो पर भी लिख कर आने लग गया है इस तरीके का इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑटो ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे सिंपल इस तरीके से, ठीक है। जैसे हमने ऑटो ट्रांसलेट पर क्लिक किया तो ऊपर देखेंगे जो हमने बोला है तो वो ऊपर हिंदी में लिखा है, उसके नीचे यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी टाइम पर बोला है उसी तरीके से हिंदी इंग्लिश इस तरीके से आ रहा है। तो आप अगर और भी कोई लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे हमने इसका एक पीछे भी वीडियो बना रखा है, उसकी थोड़ी क्वालिटी डाउन थी, वैसे व्यूज आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, बहुत व्यूज आ रहे थे, अब थोड़ी डाउन हो गई। तो हमने सोचा कि इस वीडियो को क्यों ना बनाया जाए, आप लोगों को ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि यार वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए लाइक। और यहाँ पर एक चीज़ आपको पब्लिश ज़रूर करना है, ये पब्लिश का जो ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर बस पब्लिश कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास पहुँचती रहे।